नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट को आप पीसी पे किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वो भी फ्री पे, आपको किसी प्रकार का इस पे चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन कॉल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि माइनक्राफ्ट गेम को आप पीसी पे या डेस्कटॉप पे किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करनी है और टी लॉन्चर को सर्च करना है। टी लॉन्चर को सर्च करने के बाद दोस्तों आपका इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो आप दोस्तों चाहे तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए हमारा जो है टी लॉन्चर डाउनलोड हो गया है, अब इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम दोस्तों टी लॉन्चर पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जावा की स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसे आप इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक अगला पॉपअप आपके सामने आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कंप्लीट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो चलिए अब हम टी लॉन्चर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टी लॉन्चर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको माइनक्राफ्ट के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपना नेम भी डाल सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट वर्जन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे नेम डाल के लेटेस्ट अपडेट वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेटेस्ट गेम के वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ 350-400 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप इंटर द गेम पे क्लिक कर दें। जैसे आप इंटर द गेम पे क्लिक करेंगे, उससे पहले दोस्तों आपको सेटिंग्स पे जाना है और आप चाहे तो रेजोल्यूशन को यहाँ से आप चेंज कर ले और फुल स्क्रीन पे कर दें। उसके बाद आप दोस्तों इंटर द गेम पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंटर द गेम पे क्लिक करिएगा, आपका जो गेम है माइनक्राफ्ट की जो गेम है वो दोस्तों फुल स्क्रीन 1920x1080 पिक्सल्स पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों ही खेल सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल्स भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं एक सिंगल प्लेयर खेल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप क्रिएट न्यू वर्ल्ड, जी हाँ दोस्तों, क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा जैसे कि न्यू वर्ल्ड एक क्रिएटेड है, मैं उसी पे जाके आपको प्ले करके बताता हूँ कि यह गेम किस प्रकार से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो न्यू वर्ल्ड की गेम है यहाँ ओपन हो रही है, पूरा पूरी ओपन हो गई है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहे अपना क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे बना सकते हैं। आप चाहे तो घर बना सकते हैं, नेम वगैरह राइट कर सकते हैं। आप दोस्तों आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से आप माइन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माइनक्राफ्ट जो है माइनिंग वाला, जी हाँ दोस्तों, माइनिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं आप, खुदाई भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से टॉप व्यू को देख सकते हैं इस माइनक्राफ्ट गेम को कि किस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपको माइनक्राफ्ट गेम पसंद है तो आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में दोस्तों। इस पे अपडेट भी बहुत ही जल्द और बिना पैसे के भी हो जाएंगे दोस्तों। इससे कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन कॉल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।